पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था को कातिल बताए जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलनाथ तब ये बोलते जब उनकी सरकार ने किसी कातिल को पकड़ा होता। सतना जैसे जघन्य अपराध के दौरान कमलनाथ जी पांचवें फ्लोर से नीचे नहीं उतरे, जिनके समय पर भ्रष्टाचार और आतंक का तांडव हो वे कमलनाथ आज उंगली कैसे उठा सकते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डॉक्टर्स डे पर सभी चिकित्सकों को बधाई दी और कहा, भारतीय संस्कृति में धन्वंतरी दिवस मनाया जाता था। कोरोना काल में जिस तरह डॉक्टर्स ने सेवा की है वो अतुलनीय है। देवास के नेमावर में हुए हत्याकांड पर कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस का घृणित चेहरा सामने आया है। पुलिस ने सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था को कातिल बताए जाने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलनाथ तब ये बोलते जब उनकी सरकार ने किसी कातिल को पकड़ा होता। सतना जैसे जघन्य अपराध के दौरान कमलनाथ जी पांचवे फ्लोर से नीचे नहीं उतरे, जिनके समय पर भ्रष्टाचार और आतंक का तांडव हुआ हो वो कमलनाथ आज उंगली कैसे उठा सकते हैं। सच में ये डॉक्टर डे है, भारतीय संस्कृति में धन्वंतरी दिवस भी मनाया जाता है और इस दौर में डॉक्टरों ने जो सेवा की है वो अतुलनीय है। पहले सिर्फ कहा जाता था कि भगवान का रूप है डॉक्टर, इस बार लोगों ने देखा, जब अपने स्वजन को परिवार के लोग स्पर्श नहीं कर रहे थे तब हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ उनकी परिवार का जन मान के सेवा कर रहे थे। देखिए, ये जो कांग्रेस का घृणित चेहरा है वो है, अभी आपके सामने मैं निकल के आया तो मेरे 25 फोटो खींच लिए। हर हाथ में कैमरा जब होगा, हर हाथ में सेल्फी होगी, इसलिए ये देखिए, आपके पुलिस ने सातों के सातों अपराधी गिरफ्तार कर लिए। ऐसा गूढ़ मामला जो 10 फुट गहरा जिन्होंने गड्ढा खोदा हो उसको ट्रेस किया, सारे अपराधी गिरफ्तार कर लिए, चिन्हित अपराधों की श्रेणी में हमने उसको रखा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम ले जाएंगे उसे, राहत का भी पैकेज प्रस्तुत कर दिया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं शाम को 7 बजे एक बैठक गंभीर इसी विषय पर क्राइम के लेकर लेने वाले हैं और जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय भी आज आप सबके सामने आ जाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।